चंद्रपुर का सबसे फेमस होटल सितारा प्रेजेंट्स होटल सितारा ग्रुप की नई ब्रांच न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट। चंद्रपुर की शान में एक और चमकता बड़ा सितारा मूल रोड चंद्रपुर के निसर्ग जंगलों के बीच पूरे परिवार के लिए वेज नॉन वेज का सबसे खूबसूरत स्थान, जहां आप पाएंगे सबसे स्वादिष्ट लाइव चिकन मटन फिश के साथ सैकड़ों वेज और नॉन वेज डिशेज, साथ में बच्चों को खेलने के लिए भरपूर उपकरण, क्रिकेट मैच और एंटरटेनमेंट लाइव स्क्रीन, मचान, पार्किंग के भरपूर जगह और फेमस होटल सितारा की सबसे उत्तम सर्विस और टेस्ट। एक बार पूरे परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य पधारें। आउटडोर पार्टी के लिए बेस्ट लोकेशन होटल सितारा ग्रुप का नया उपकरण होटल न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट, घंटा चौकी मूल रोड चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट करें मिस्टर शिरीष पतरंगे, मोबाइल नंबर 9764871578। आज जन विकास सेना के संस्थापक पूर्व पार्षद पप्पू देशमुख ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर चंद्रपुर मनपा आयुक्त अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का और मनमानी तरीके से काम करने का गंभीर आरोप लगाया। आज एक बड़ा खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा शुद्ध हवा के लिए निधि दी जाती है, जिसके तहत प्रियदर्शनी चौक, एसटी वर्कशॉप, रमाला तालाब, वीर सावरकर चौक और कामगार चौक पर फाउंटेन यानी फव्वारे लगाने का निर्णय चंद्रपुर द्वारा लिया गया, मगर निर्णय के वक्त से ही ये काम मुख्यतः ठेकेदार प्रदीप मध्यवार को देना तय था, इसलिए टेंडर में ही उनके अनुकूल शर्तें और नियम रखे गए। इतना ही नहीं, टेंडर में हिस्सा लेने वाले अन्य अनुभवी ठेकेदारों को अयोग्य करार देते हुए 5 में से 4 काम प्रदीप मध्यवार को दिए गए, ऐसा आरोप पप्पू देशमुख ने लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी टेंडर कार्य की कीमत शेड्यूल फीस तय की जाती है, मगर इसमें भी घोटाला करते हुए मनपा आयुक्त ने शेड्यूल फीस से कई गुना जुड़ी कीमतों में टेंडर निकाले और केवल 0.91% बिलों में ये दिए गए, जिससे कि भ्रष्टाचार होने का सीधा सीधा दृश्य सामने दिखाई देता है। इन सब के चलते पप्पू देशमुख ने मनपा आयुक्त विपिन पालीवार को जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर फौजदारी गुनाह दाखिल करने की मांग की है। उसी तरह से सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा, पालक मंत्री द्वारा, महाराष्ट्र विरोधी पक्ष नेता द्वारा और अन्य आमदार खासदार द्वारा संज्ञान लेने की अपील की है, अन्यथा ठेकेदार की राजकीय साजगांठ होने का अंदाजा हो सकता है, ये बात भी उन्होंने इस मौके पर कही है। चंद्रपुर महानगर पालिका की ओर से शहर में 5 विभिन्न चौक में फाउंटेन लगाने का जो काम निकाला गया है, इस फाउंटेन के काम में करोड़ों रुपए की धांधली हुई है। महानगर पालिका के कमिश्नर विपिन पालीवाल जी, इन्होंने प्रशांत मध्यवार और स्वयंभू नाम के एजेंसी को ये काम मिलने के लिए पूरे नियमों को दाव पे लगाया है, पूरे कानून को तोड़ करके इन्हें काम देने की कोशिश की है, काम दिया है। इसी तरह से इस काम में जो रेट डाले गए हैं वो रेट भी बढ़ा चढ़ा कर डाले गए हैं और इस एजेंसी को लाभ पहुंचाने का काम किया है। इसमें जो अच्छे कंपनियां थी, अच्छी एजेंसीज थी, उनको जानबूझकर डिस्क्वालीफाई किया गया है, पर्पजली डिस्क्वालीफाई किया गया है। महानगर पालिका के आयुक्त विपिन पालीवाल के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ फौजदारी मामले दर्ज होने चाहिए। जो एजेंसी इनके साथ में थी, प्रशांत मध्यवार और स्वयंभू, इनके खिलाफ भी फौजदारी कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। यदि इनके साथ इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो जन विकास सेना आंदोलन करेगी, ऐसा हमारा इशारा है। चंद्रपुर की जनता के टैक्स के पैसे का जो भी दुरुपयोग कर रहा है, ऐसा कोई अधिकारी, कोई नेता हो, इनको हम छोड़ेंगे नहीं, ये जन विकास सेना का इशारा है। अरे कसला गोंधळ चालू आहे तिकडे? अहो आई, कसला म्हणजे काय? दिवाळी येत आहे ना, कपड्याची खरेदी पुन्हा काय? बरोबर आहे त्यांचं, कपड्यांची खरेदी करायचीच आणि तेही सर्वांसाठी। पण बाबा, संपूर्ण कुटुंबाचे कपडे एकाच ठिकाणी मिळतील तरी कुठे? कुठे म्हणजे काय दादा? बर सिद्धी, अगदी बरोबर। परसिद्धी शॉपिंग मॉल, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर। चंद्रपुर पर्यावरण अभ्यासक प्रोफेसर सुरेश चौपने ने बढ़ते प्रदूषण पर बात करते हुए कहा कि 2022 में महाराष्ट्र में नदियों के सर्वेक्षण के बाद देश में सबसे अधिक 55 नई प्रदूषित नदियां यहां पाई गई, जिनमें वर्धा, पैनगंगा और वैनगंगा नदियां 2014 से प्रदूषित घोषित की गई है और 2023 में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार पानी 59.3 का सेपी स्कोर पिछले 15 वर्षों में सबसे प्रदूषित घोषित किया गया।
इरेई और झरपट नदियां हद से भी बदतर स्थिति में है। इस नदी के लिए 10 साल पहले सिर्फ एक बार कार्य योजना बनी थी, इसके बाद दो कार्य योजनाएं तैयार की गई, लेकिन समस्या अभी भी बनी हुई है। इसका मतलब यह है कि सरकार या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गई कार्य योजना धन की कमी या गंभीरता से नहीं लिए जाने के कारण कागजों पर ही रह जाती है और हमें तारीख पर तारीख जैसी नई कार्ययोजना का इंतजार करना होगा। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि सीवेज और अन्य जल प्रदूषण के कई गंभीर परिणाम होते हैं। अतिरिक्त गाद और खनिजों वाला पानी गुर्दे और पित्ताशय की पथरी रक्त और अंगों के रासायनिक विकरों का कारण बनता है। रोग जनकों के कारण हैजा, दस्त, पैचिस, हेपेटाइटिस, टाइफॉइड, गैस्ट्रोपीलिया और अन्य जीवाणु रोग होते हैं। इसका समाधान यह है कि अधिक प्रदूषण वाली जगहों के पानी को उबाल कर पिएं और उसे शुद्ध करने के बाद ही पिएं। हालांकि सरकार ने हाल ही में पानी की टंकियां और फिल्टर प्लांट स्थापित किए हैं, लेकिन उनमें से कई बंद पाए जाते हैं। सरकार को इसे जारी रखना चाहिए। चंद्रपुर जिले में प्राकृतिक प्रदूषण भी है, इसलिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में साफ पानी पीना चाहिए और इसे उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। पिछले 10-12 सालों से चंद्रपुर का जो जल प्रदूषण है वो उसी तरह है, बल्कि 2022-23 में इसमें बढ़ोतरी हुई है और जो स्कोर 30 या 40 तक था वाटर स्कोर, सेपी स्कोर आज 59.50 तक गया, यानी 60 के करीब पहुंचा है। तो इतनी बड़ी मात्रा में प्रदूषण यहाँ बढ़ रहा है। या चंद्रपुर में रेड टाइप के इंडस्ट्रीज़ जो है वो 59 से 60 के दरमियान है। बाद में यहाँ पे 4 या 5 जो तहसील है उनका जो सॉलिड वेस्ट वो नदी में जाता है और सांडपानी हम जिसे बोलते हैं वो सांडपानी भी पूरा नदियों में जाता है, उद्योगों का के नितर वहाँ से निकलने वाला और नागरिकों के यहाँ से निकलने वाला। तो इस प्रकार से पूरी हमारी यहाँ की झरपट नदी, इरई नदी, वर्धा नदी, यहाँ की नदियाँ पूरी पोल्यूटेड हो गई है और यहाँ का पानी पीने लायक नहीं है। इसके खिलाफ एक्शन प्लान सरकार ने दिया है, कम से कम 2 या 3 एक्शन प्लान आए, मगर जो प्रदूषण था उससे भी प्रदूषण बढ़ रहा है। यानी इसका मतलब कि एक्शन प्लान कोई यहाँ पे उसका उस पर एक्शन हुई नहीं है और उसके वजह से चंद्रपुर में नागरिकों को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। एयर पोल्यूशन तो ऑलरेडी है मगर अभी जल प्रदूषण भी बढ़ गया है, तो इसकी वजह से ये बहुत सारी बीमारियाँ, कैंसर सर की बीमारियाँ, इससे भी किडनी और बाकी भी बीमारियाँ वो यहाँ पे बढ़ रही है। तो प्रशासन और विधानसभा को हमारी विनंती रहेगी कि माँ चंद्रपुर का जो एक्शन प्लान है वो 100% उस पर एक्शन हो जाए और यहाँ का प्रदूषण कम किया जाए और दिवाली महोत्सव मेला प्रस्तुत आज तक का चंद्रपुर का सबसे बड़ा मेला फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला, जहाँ पाएंगे बच्चे और बड़ों के लिए मनोरंजन का भरपूर इंतजाम, जॉइंट व्हील, ब्रेक डांस, टोरा टोरा और भी बाकी जबरदस्त झूले और खेल। खरीदी के लिए कपड़े, घरेलू सामान, सौंदर्य प्रोडक्ट, खिलौने और खाने की वस्तुओं का भंडार और भी बहुत कुछ। रोज शाम 4 बजे से 10 बजे तक, स्थान चांदा क्लब ग्राउंड, नागपुर रोड, चंद्रपुर। तो आज ही अपने संपूर्ण परिवार के साथ आकर आनंद उठाए फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला।